मुंबई के कांदिवलीपुर कोकुल नगर में रहने वाले युवक आजम खान की बीती रात मलाड़ पश्चिम के मालोनी मारवे रोड पर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने से कोकुल नगर में शोक की लहर है। तो वहीं आजम खान की मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। स्थानिक और आजम खान के करीबियों की माने तो आजम खान की मौत किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। तो वहीं मालोनी पुलिस इसे अभी तक सड़क दुर्घटना बता रही है। पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। हालांकि आजम खान की मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम और सीसीटीवी की जांच के बाद सुलझ सकती है। ऐसे में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने दुर्घटना स्थल से प्रत्यक्षदर्शी राहगीर से बात करने की कोशिश की। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम है बजरंगी रामजीत दिवाकर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, चित्रकूट जिला से हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पे आकाशवाणी पे रहता हूँ सर, आकाशवाणी में। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ क्या देखा आपने, क्या हुआ था? मैंने देखा कि यहाँ पे भीड़ गर्दिश लगी हुई थी, तो मैंने उतर के आया यहाँ पे, देखा कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी गाड़ी भी पड़ी थी, लोगों ने उठा के उसको रिक्शे में डाल रहे थे, रिक्शे में डाला, लेकिन उसका संभालने वाला कोई नहीं था। उसको बोल रहे थे लोग कि आओ इसको पकड़ो, पुलिस वाले भी बोल रहे थे लोगों को कि इसका मदद करो, हेल्प करो, लेकिन कोई उसका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। फिर आखिर में रिक्शे वाले ने अकेला उसको लेके गया बेचारा, फिर भी उसके सर में चोट आई थी, सर से उसके खून निकल रहा था, इतना मैंने देखा। फिर रिक्शे वाले ने उसको लेके गया और पुलिस वाले आए, वो पुलिस वाले बोल रहे थे हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। पुलिस वाले गए या नहीं गए मैंने देखा नहीं इतना, फिर मैं भी अपने काम पे निकल गया। चलिए, धन्यवाद।